हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज मेरी क्लास, कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पैरामीट्रिक फॉर्म। आज मैं जो लेकर आई हूँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेकर आई हूँ, और कल हम डबल डिफरेंशिएशन लेकर आएंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में क्या हमारा टॉपिक, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम पहले एक छोटे से टॉपिक से करेंगे। तो जब भी हमारा कोई पावर में एक्स होता है, फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, तो हम उसमें लॉग लेते हैं, क्योंकि वैसे वो सिंपल हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमने आज तक फॉर्मूला पढ़ा है वो एक्स की पावर एक कांस्टेंट होता है, तो उसी का हम डिफरेंशिएशन करते थे। बट अगर कहीं केस फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाता है, इस तरीके से आता है क्वेश्चन, यानी कि फंक्शन होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है, तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन से। तो आज का यही टॉपिक है हमारा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्लास 10 तक नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो आपकी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, जैसे कमेंट बॉक्स में मेरे पास आया भी था कि मैडम लास्ट ईयर के क्वेश्चन कराइए, तो जब मेरी ये कैलकुलस की पूरी बुक खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी 11वीं क्लास है और हम कैलकुलस लेकर चल रहे हैं। अभी हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट चल रहा है, हमने लिमिट कंटिन्यूटी खत्म करा दिया है और साथ में रियल फंक्शन भी खत्म करा दिया है। ये हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट चला है। जब हमारा पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, तब हम उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर चलेंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई फंक्शन, सॉरी, जो वेरिएबल होते हैं उसके ऊपर वेरिएबल आता है पावर में, तो हम अपना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने आपको फर्स्ट डे एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था ए की पावर एक्स का, तो वो क्या होता था, 1/x log e बेस a। तो देखिए, आज हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ये हम लॉग लेकर ही काम करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन बना वो क्या बना, कि हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, ए की पावर एक्स का। तो देखिए, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट की पावर है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे लॉग। तो ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, यानी कि डी लॉग लिया हमने दोनों तरफ, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए की पावर एक्स, यानी कि इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 1/y डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन से पहले क्या करेंगे, जो भी लॉग की पावर में होता है उसे बेस में ले आते हैं, तो इस लाइन को स्किप करने कर लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग ए। ओके, अब देखिए, अब हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जैसे 1/log x का होता है 1/x, इसी तरीके से log y का होता है 1/y, तो हमने कह दिया 1/y। बट जब भी आप y का यूज करोगे, क्योंकि x का अगेन डिफरेंशिएशन होता है, तो उसका होता है 1, बट y का अगर हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको बोलते हैं dy/dx। देखिए, याद रखिएगा, जब भी हम log में, यानी y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy/dx जरूर आएगा, यानी कि log x की अगर टर्म में माने तो log y का हो गया 1/y, फिर से अगेन y का करेंगे तो dy/dx। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, अब ये कहा हो गया, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाए, नो, प्रोडक्ट रूल इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि log a जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, तो आप log a को ऐसे ही रखेगा और x का कितना हो गया 1। ओके, तो dy/dx इज इक्वल टू y log a। अब देखिए, y क्या था हमारा क्वेश्चन, a की पावर x log a, और हमने यहां भी ये, सॉरी, a की पावर x log a होता है डिफरेंशिएशन, तो हमारा ये क्या आंसर आ गया, dy/dx यानी कि a की पावर x log a, ये आपका डिफरेंशिएशन रहा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका, कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन अंडर रूट में दिया है, तो अंडर रूट में भी हम क्या कर सकते हैं, लॉग लेकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में उठा लेती हूं, यह है x-3x2+4/3x2+4x+5। देखिए, ये रूट में है, अब हम इसका रूट का फटाफट तो निकाल नहीं सकते डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करते हैं, इसको लॉग ले लेते हैं। तो हमने लिया लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट x-3x2+4/3x2+4x+5। अब देखिए, इस लॉग को मैं क्या करूंगी, इस तरीके से लिखूंगी, लॉग वाई इज इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं रूट क्या होता है, 1/2 पावर में होता है, और अगर कोई चीज पावर में है तो
बेस में आगे आ जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। देखिए मैं इसका जो पावर वन बाई टू थी वो मैं आगे ले आई, यहां आगे वन बाई टू। तो इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेते हैं। आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते ही हैं, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं लिखा है लॉग ए अपॉन बी, तो हम इसको लिख लेते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके, तो हम देखना हमारा क्वेश्चन क्या है। अभी हमारा है लॉग वाई इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, यानी कि ए अपॉन बी। हम इसको कर लेते हैं वन बाई टू बाहर, लॉग ये एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस के लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ओके, अब देखिए इसी तरीके से जब डिवाइड का रूल होता है ऐसे प्रोडक्ट का रूल होता है, बस बीच में क्या हो जाता है प्लस आ जाता है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वन बाई टू सभी के बाहर है, लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस प्लस फोर माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ओके, ये हमारा अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो जैसे आप जानते हैं लॉग वाई का वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये वन बाई टू बाहर, आप जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। बट क्या इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा? क्योंकि ये सिंगल फंक्शन नहीं है, सिंगल फंक्शन नहीं होता तो हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। जब मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूंगी तो एक्स का हो गया वन माइनस थ्री का हो गया जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, तो यानी कि वन ही आ गया, हमें कुछ चीज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसका करें वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यानी कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, बट यहाँ एक्स नहीं है तो हमने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर, बट ये सिंगल फंक्शन नहीं है तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होगा टू एक्स प्लस जीरो। ओके, यहाँ भी ऐसी लॉग का वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और अगेन डिफरेंशिएशन तीन दूनी छह एक्स प्लस चार, आपको डिफरेंशिएशन आता ही हो। अब हम इसे बस थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई यहां पर हुआ टू यहां पर हुआ एक्स वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन यानी कि टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस के सिक्स एक्स प्लस फोर अपॉन के थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वाई, और लास्ट में केवल आपको वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि आपका आंसर हो गया वन बाई टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और अंदर ब्रैकेट में वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस के सिक्स एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी एग्जाम में कोई रूट वाला क्वेश्चन आए तो आप फटाफट लॉग लगाइए और लॉग से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, यानी कि जो कि बहुत आसान भी है और जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल टू हम लेते हैं एक्स साइन एक्स। आपको देखिए फंक्शन की पावर सॉरी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और फटाफट से आंसर करेंगे लॉग y इज इक्वल टू, अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रही हूं आपके लिए क्योंकि साइन आगे आ जाएगा लॉग x आ जाएगा, साइन x लॉग x, ये दो पार्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स को ऐसे ही रखा लॉग x का वन अपॉन x हुआ प्लस लॉग x ऐसे ही रखा साइन x का cos x हुआ। ठीक है, बस अब हमें सिंपल करना है dy अपॉन dx हुआ, y की वैल्यू हम भी पुट कर लेते हैं साइन की पावर साइन x, और ये साइन x अपॉन x प्लस log x cos x। देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हुआ, हमने एक मिनट भी नहीं लगाई और क्वेश्चन को हमने फटाफट कर दिया क्योंकि हमें रूल्स रेगुलेशन याद है कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके चार से पांच क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर बी। अब देखिए इसी में आपके तीन क्वेश्चन आ गए, तो एक क्वेश्चन ये हुआ एक क्वेश्चन ये हुआ और एक क्वेश्चन ये हुआ, और ये आपका कांस्टेंट है। तो देखना मैं इसको यू मान लूंगी, इसको वी मान लूंगी, इसको डब्ल्यू मान लूंगी, और ये तो आपका कांस्टेंट है ही। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन देखती हूं तो ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस टी डब्ल्यू अपॉन
dx इक्वल टू जीरो। अब ये u जिसे माना था, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि du अपॉन dx निकालते हैं। तो u माना हमने किसे, y की पावर x को, u माना हमने y की पावर x को। तो जल्दी जल्दी फटाफट लॉग लेते हैं, लॉग u इक्वल टू x लॉग y। मैंने डायरेक्ट करके दिखाया क्योंकि जब हम लॉग लेंगे तो जो पावर है वो बेस में आ जाएगी, यहां आ गई और लॉग y ये हो गया। अब फटाफट 1 अपॉन u du अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का हो गया ऐसे ही रखो, log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y ऐसे ही, और x का हो गया 1। अब आप कहोगे कि हाँ क्यों dy अपॉन dx लिया, तो याद रखना x के अलावा जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा कोई भी वेरिएबल हो तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में होता ही है। तो यानी कि अगर मैं इसको और सॉल्व करके लिखूं तो u ले सकती हूं, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू u आपका ये x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y, ये हो गया आपका। अब हम क्या लेकर चलते हैं, हमने v जो माना है, v किसे माना है तो देख सकते हैं x की पावर y को, v हमारा हो गया x की पावर y, फिर से log लेंगे, log v इज इक्वल टू y log x, देन अगेन डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू y को हमने ऐसे रखा, log x का हो गया 1 अपॉन x प्लस log x को ऐसे रखा और y का हो गया dy अपॉन dx। बस थोड़ा सा और सॉल्व करें, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v आपका बाहर y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। अब हम क्या लेकर चलते हैं, अब हम थर्ड वाला लेकर चलते हैं, यानी कि w, w हमारा था x की पावर x, तो d फिर से log, log w इज इक्वल टू x log x, फिर अगेन डिफरेंशिएशन 1 अपॉन w dw अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही log x का 1 अपॉन x प्लस log x ऐसे ही और x का हो गया 1, यानी कि dw अपॉन dx इज इक्वल टू x से x कैंसिल, w उधर ले गए हम 1 प्लस log x। तो अब ये देखिए मैंने तीनों वैल्यू निकाल दी, अब मुझे केवल ये पुट करनी है तीनों इक्वेशन, तो पुट करते हैं इसमें। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। तो du अपॉन dx की वैल्यू ये रही हमारी, तो इसे पुट करें, ये हमारी है u x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y, ओके, और dv की वैल्यू ये रही हमारी v y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। अब w की भी कर लेते हैं, प्लस w 1 प्लस log x इक्वल टू जीरो। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे dy अपॉन dx निकालना है, तो जितने भी dy अपॉन dx वाले हैं उनको सबको मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहां लिख लेते हैं, एक हमारा इस क्वेश्चन को दोबारा उतारते हैं, अगला पेज है एक्स वाई dy अपॉन dx प्लस log y प्लस v y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx प्लस w 1 प्लस log x इक्वल टू जीरो, ओके। अभी हम इसको रखते हैं, अब हमने करा dy अपॉन dx वाला कॉमन लेंगे, पहले मैं dy अपॉन dx बाहर ले लेती हूँ कॉमन, अंदर बचा u, u की वैल्यू मैं यहां पुट कर रही हूं वापस, y की पावर x x अपॉन y, ओके। एक ये वाला है dy अपॉन dx, v की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी, v की वैल्यू पुट कर रही हूं, v की वैल्यू थी हमारी x की पावर y log x, यही है बच्चा, बाकी को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, w की वैल्यू क्या थी, x की पावर x 1 प्लस log x, माइनस में रहेगा माइनस, एक ये चीज वहां जाएगी, v की वैल्यू कितनी, x की पावर y इंटू वाई अपॉन x, और इसी तरीके से ये वाला फंक्शन माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर लेकर जा रहे हैं, माइनस u की वैल्यू क्या थी हमारी, y की पावर x x अपॉन सॉरी y की पावर x log y, ये हमारा पूरे की पूरी वैल्यू हो गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये देखिए ये तो पहले ऐसे लिख लूं, x की पावर x 1 प्लस log x माइनस x की पावर y इंटू y और x की पावर माइनस 1 हो गई ऊपर जाके, तो ये यहां पर आकर माइनस 1 माइनस y की पावर x log y अपॉन, ये देखिए ये ऊपर जाएगी तो एक पावर चढ़ जाएगी, x की पावर माइनस 1 x प्लस x की पावर y log, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज
ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है और हम नई वीडियो लाने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, यानी कि नया टॉपिक होगा फंक्शन का जो डबल डिफरेंशिएशन है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय।